पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय के इस प्रावधान पर सख्त एतराज जताया है। बीएसएफ अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रग्स पकड़ने के लिए छापेमारी और बरामदी कर सकती है। पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर तक सीमित था, हालांकि बीएसएफ 100 मीटर के दायरे तक ही कार्रवाई करती थी। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने से पंजाब के कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। इसे केंद्र का राज्यों के अधिकार क्षेत्रों में दखल देने से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस प्रावधान पर एतराज जताते हुए कहा कि केंद्र ने अमृतसर बटाला और अमृतसर तक का इलाका बीएसएफ को दे दिया है। प्रधानमंत्री से अपील है, इसे मंजूर ना किया जाए, बीएसएफ ड्रोन पर ध्यान दे। केंद्र सरकार करना क्या चाहती है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। पंजाब पुलिस आतंकवाद से लड़ी, क्या वो ड्रग से नहीं लड़ सकती? पंजाबियों को शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है? ये फैसला संघीय ढांचे पर सीधी चोट है। हम पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, साथ ही दोनों से मिलने का समय मांग रहे हैं। बॉर्डर को सील करो, नो मैन लैंड पर बीएसएफ को कंट्रोल करना है, ना कि पंजाब पुलिस की जद में आकर जांच करने का। गुजरात में बीएसएफ का इलाका कम किया गया है, वहां इलाका खाली पड़ा है, लेकिन पंजाब में बॉर्डर पर आबादी है, शहर है। पंजाब के खिलाफ केंद्र कोई कार्रवाई करना चाहता है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान नहीं। हम पीएम को हाथ जोड़कर अपील करते हैं, पंजाब का भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले की तारीफ में कहा, इससे सेंट्रल फोर्सेस मजबूत होंगी। अब देखना होगा क्या सरकार फैसला वापस लेगी या बीएसएफ के क्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं आपके साथ साधिका कौर, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।